Yes, dear students, how are you? Once again, welcome to SST class. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में, आई होप आपने रिवाइज किया होगा इसे, और जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें बताते रहिएगा ताकि हम लोग आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकें. सेम टॉपिक वही हम डिस्कस करेंगे. वंस अगेन आई रिपीट on the resources and development, types of resources or classification of resources on the basis of origin, exhaustibility, ownership and status of development. तो इसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे. On the basis of origin, first of all आपको ये पता होना चाहिए कि origin क्या है. Origin means कि resources कैसे पैदा हुए. On the basis of origin, we divide resources into two parts, biotic एंड एबायोटिक. ये टॉपिक आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि बायोटिक और एबायोटिक क्या है. बायोटिक रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा एंड फ्यूना, ह्यूमन बींग्स. मीन्स बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके अंदर जान है, जो हम बायोस्फीयर से लेते हैं. जैसे हम लोग इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारे आपके बायोटिक रिसोर्सेज में काउंट होते हैं. एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर जान नहीं है, जो नॉन लिविंग है. बेसिकली दे आर नॉन लिविंग सच एज रॉक्स, मिनरल्स. दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेज. ये एबायोटिक रिसोर्सेज जो है ये आपके नॉन लिविंग के कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, रेन्यूएबल एंड Non-renewable. जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिन्यूएबल कौन से होंगे एंड नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे. रिन्यूएबल मीन्स रिन्यू, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. दे आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. दे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं, और एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाती हैं. दे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड और टू बी फॉर्मेशन. इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं. जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स, आपका पेट्रोल है, डीजल है, दे आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनका हम एक बार इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वी डिवाइड रिसोर्सेज इनटू फोर टाइप्स. फर्स्ट इज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. इंडिविजुअल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो जिनके दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, यानी जिसके ऊपर किसी एक आदमी का या ग्रुप ऑफ पीपल का अधिकार होता है, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर हाउस, प्लॉट्स, शॉप्स, दे आर द इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसके ऊपर एक आदमी का या कुछ एक लोगों का, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका अधिकार होगा, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स का नाम देते हैं. कम्युनिटी रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज होते हैं, दे आर ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी किसी एक कम्युनिटी का जो अधिकार होता है जिन रिसोर्सेज के ऊपर, उन्हें हम कम्युनिटी रिसोर्सेज का नाम देते हैं. जैसे आपके ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, आपके पार्क हैं, ये आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज में काउंट होते हैं. थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो किसी देश के रिसोर्स हैं और देश का अधिकार होता है इन रिसोर्सेज के ऊपर, उनको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसे हम नेशनल रिसोर्सेज का नाम देते हैं. जैसे फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, मिनरल्स हैं, ये आपके नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होंगे. एंड द लास्ट इज योर इंटरनेशनल रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर पूरे विश्व का, इंटरनेशनल या इनके मतलब जो एक ऐसी संस्था, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि इन रिसोर्सेज को हैंडल करते हैं, देश की या किस वर्ल्ड की, पूरे विश्व के
वेलफेयर के लिए, तो उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं तक रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, बायोटिक एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यस, नाउ द लास्ट टॉपिक इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वी डिवाइड अवर रिसोर्सेज इनटू फोर टाइप्स। फर्स्ट इज पोटेंशियल, सेकंड डेवलप्ड, थर्ड स्टॉक, एंड फोर्थ इज रिजर्व। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो किसी रीजन में तो हैं पर अभी हमने उनका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी के हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी हैव नॉट एनी टेक्नोलॉजी। हाउ टू यूटिलाइज मीन्स हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि किस तरह से उसका हम इस्तेमाल कर सकें, या कई बार किसी देश के पास इतनी फाइनेंशियल उसकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए और अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पाए, तो वो हो गए आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी ऐसे रिसोर्सेज हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्स है पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सकें। सेकेंड है आपका डेवलप रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, कि डेवलप रिसोर्सेज वो होंगे ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम ढूंढ चुके हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम उन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। यानी हम लोग टेक्निकली इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉक, स्टॉक जो है मटेरियल विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट एंड विच हैव द पोटेंशियल टू फुलफिल द ह्यूमन, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू असेस देम। स्टॉक यानी कि हमारे पास सेम वही जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज में था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल, अपने रिसोर्स का प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें। जैसे हम एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर सकते हैं कि वाटर जो है वो टू कंपाउंड्स, टू इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, पर हम किस तरह से वाटर से उन दोनों कंपाउंड्स को अलग करके एनर्जी को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं या किस तरह से हम उसका और ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसे हम स्टॉक का नाम देते हैं। एंड द लास्ट इज योर रिजर्व रिसोर्सेज, दे आर द पार्ट ऑफ द स्टॉक बट कैन बी पुट टू यूज इन द नियर फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं और हमें टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है पर हमने उसको रिजर्व कर दिया है और हमने उसे रख दिया है कि आगे नियर फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी हमने उसे रिजर्व में रख दिया और हम उसे भूल गए। जैसे मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं वो कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं, बैंक्स में रखते हैं, घर में रखते हैं, ताकि जब भी उन्हें ज़रूरत हो तो वो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो कर सकें। तो मीन्स उन्होंने पैसे जो भी उनके पास मनी थी उसको रख के वो भूल गए और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया बाद में जब उसकी ज़रूरत थी। तो उसी तरह से जो कंट्री है वो कुछ एक रिसोर्सेज को रिजर्व में रख लेती है ताकि बाद में उसका जरूरत पड़ने पर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन यूज इट। तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, हमने रिसोर्सेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। मुझे आज हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं और घर में इसे अच्छे से पढ़ना है और उन नोट्स को आपने संभाल के रखना है ताकि बाद में आपकी हेल्प हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम पीरियड। कल फिर मिलेंगे इसी क्लासरूम में, इसी जगह, तब तक सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अपना जो टाइम है, अपना जो वैल्यूएबल टाइम है, इसे अच्छे कामों में लगाइए। थैंक्स।